हमारे अलावा 78 ब्लेड में रोटावेटर कोई नहीं बना रहा है सर, ऑल ओवर इंडिया में। पूरा डाले को एकदम बराबर से रखने के लिए दिया हुआ है। इसका गियरबॉक्स GNA कंपनी का है। रोटावेटर की पूरी जो रोटावेटर की गारंटी वारंटी वो 1.5 साल की है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज की वीडियो में आपको वीर योद्धा रोटावेटर दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ कंपनी से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कैफ है। अच्छा जी जी, मैं समीक्षा स्टील में काम करता हूँ। समीक्षा स्टील, ये हमारी कंपनी 9-10 साल से रोटावेटर बना रही है। हमारे ब्रांड का नाम वीर योद्धा है। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, आपकी कंपनी है कितने फीट से कितने फीट तक का रोटावेटर बनाती है? सर हमारी कंपनी 3 फीट से लेकर 10 फीट तक रोटावेटर बनाती है। जैसे किसी को अभी 10 फीट का रोटावेटर परचेस करना है जी, तो मिल जाएगा? जी सर, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे भाइयों को बताएं पहले ये कितने फीट का रोटावेटर है? सर ये हमारा 8 फीट का रोटावेटर है, हैवी ड्यूटी में। सर हमारे रोटावेटर में खासियत ये है, हमारा गियरबॉक्स जो हमारा सर गियरबॉक्स लगा है ये GNA कंपनी का है। अच्छा, इससे ऊपर की क्वालिटी वाला गियरबॉक्स पूरे इंडिया में हमारा कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता है। अच्छा जी। GNA का गियरबॉक्स अपना जगतजीत जैसी कंपनियां और सोनालिका जैसी कंपनियां लगा रही हैं सर। अच्छा जी। इसके अलावा सर अपना जो पेंट है वो नैरो लैक का है। अच्छा जी। इसमें हमारे 60 ब्लेड और 54 ब्लेड वाले दो मॉडल आते हैं 8 फीट के रोटावेटर में। अच्छा। जी नैरो लैक का पेंट है सर, पेंट ऐसा होता है कि 8 से 9 साल आपका पेंट भी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, बस किसान अपनी देखभाल बढ़िया पेंट के रोटावेटर करे तो पेंट आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। बाकी इधर इसकी जो बॉडी है जी काफी हैवी लग रही है। जी बॉडी इसकी सर हमारी 5 mm की बॉडी लगी है सर। अच्छा, 5 mm की बॉडी खासियत ये है सर, इसका आपका जो मुड़ने जल्दी आपका कोई बॉडी मुड़ नहीं सकता है। एक्सीडेंटल केस में भी आपकी बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी सर, मतलब ऐठेगा नहीं, ऐठेगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मतलब 4 क्लिप लगे हुए, 2 इधर जी, 2 साइड है। जितने भी क्लंप है सर वो सारे हमारे कास्टिंग में है। अच्छा, और बहुत ही हैवी ड्यूटी में है सर। आपकी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी? जी 90% हमारा रोटावेटर अंदर ही बनता है सर। अच्छा जी, बाकी ये साइड तवा काफी हैवी लग रहा है। जी 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 जी, जो हमारे तवे हैं सर ये काफी हैवी में बनाए गए हैं और ज्यादातर तवे में प्रॉब्लम किसानों को ये आती है मुड़ जाते हैं। अच्छा, ये आपका तवा मुड़ेगा नहीं। रोटावेटर के चक्कर मैच करने के लिए चार्ट दिया हुआ है, जैसे अच्छा। कल क्यों किसी किसान को ट्रैक्टर बदलना हो उसके हिसाब से RPM सेट करने, तो यहाँ से गरारी देख के अपने RPM सेट कर सकता है। अच्छा, ये 8 फीट का रोटावेटर है जी, तो इसके लिए मतलब कितने SP का ट्रैक्टर चाहिए कम से कम? सर ये एरिया टू एरिया वाइज है, अगर हमारा UP पंजाब बिहार ऐसी जगह पर रोटावेटर को चलाता है, हरियाणा जैसी जगह में, तो अपना ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर बहुत इजी चला रहा है। अच्छा, 50 SP का ट्रैक्टर खूब चलाएगा? बहुत आराम से चलाएगा सर। अच्छा, बाकी इधर इसका जो डाला है जी, ये भी मतलब इसमें भी 4 स्प्रिंग दिए हुए हैं? जी 4 स्प्रिंग दिए हुए हैं सर। 4 स्प्रिंग इसलिए दिए हुए हैं कि पूरा लेवल करके चलेगा। अच्छा, पूरी बराबर जुताई करेगा इसकी। अच्छा, बाकी सर वीर योद्धा जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो नाम है। जी जी, नाम में ही आपका लग रहा है कि काफी हैवी है। जी 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 जी, नाम में लॉजिक है ना आपके। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे आप बात करेंगे रोटावेटर के बारे में, आपने जानकारी दे दी जी, तो इस पे सब्सिडी वगैरह है? सब्सिडी अप्रूव्ड है सर। अच्छा जी। जी सब्सिडी अप्रूव्ड है। अच्छा, अपना किसी भी कोने में हो इंडिया के सब्सिडी उसको मिल जाएगी किसान को। अच्छा, 50% सब्सिडी ज्यादातर मिलती है रोटावेटर के ऊपर। बाकी बहुत से किसान भाई ऐसे जिसके पास थोड़ा पैसा कम है जी, तो वो मतलब कैसे परचेस करेंगे, लेने की विचार कर रहे हैं इसके लिए? सर जो इस पे हमारा रोटावेटर फाइनेंस की भी सुविधा है, TVS जैसी कंपनी, SBI जैसी कंपनी हमारा फाइनेंस करती हैं। अच्छा, उन कंपनी से हमारा टाइप है जी। सबसे ज्यादा डील हमारे UP में ही है सर। UP में रोटावेटर बिकता ही ज्यादा है। जी जी जी। अच्छा जी, तो ये कितने फीट का रोटावेटर है? सर ये हमारा चैंपियन मॉडल में है अपना 10 फीट का रोटावेटर। 10 फीट का रोटावेटर जी, ये फुल हैवी ड्यूटी प्लस में है। अच्छा, हमारा जो रोटावेटर है ये हमारे 78 ब्लेड में आता है। 78 ब्लेड में जी, इस हमारे अलावा 78 ब्लेड में रोटावेटर कोई नहीं बना रहा है सर, ऑल ओवर इंडिया में जी। आपका मतलब हद से हद 72 ब्लेड होते हैं बाकी रोटावेटर, हमारा 78 ब्लेड में है ये। पीछे इसमें तो 6 स्प्रिंग दिए हुए हैं जी। 6 स्प्रिंग दिए हुए हैं सर, ये पूरा डाले को एकदम बराबर से रखने के लिए दिया हुआ है। बाइक अपने बीच में जोड़ दे देती हैं मजबूती के लिए, पर हमने वो चीज़ नहीं की हुई है, इसकी जगह हमने 6 स्प्रिंग दे दिए हैं कि पूरी इसकी मजबूती बनी रहे। ज़्यादातर मतलब 4 ही देखे हैं मैंने 10 फीट के में भी। जी जी जी, हमने 6 इसलिए रखे हैं कि मजबूती और रहे इसकी। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी इसका गियरबॉक्स कौन सी कंपनी का है? इसका गियरबॉक्स GNA कंपनी का है सर। सेम? जी जी सेम। अच्छा जी, और ब्लेड के बारे में बताएं। जी ब्लेड हमारे सर बोरन स्टील के ब्लेड है सर ये। अच्छा, इसकी लाइफ 350 घंटा है। 350 घंटा? 350 घंटा। अगर रेतली है थोड़ी वहाँ कम होता है, पर हमारी जो आम मिट्टी है उसमें हमारा ये 350 घंटा चलेगा। अच्छा जी, इसका जो लोहा है ये कौन सी कंपनी का आपने यूज किया है? ये हमारा सर लोकल वेंडर से आता है लोहा। अच्छा जी, बहुत अच्छी कंपनी का लोहा है ये, और इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल जी।
तो इनकी गारंटी वारंटी कुछ होती है? जी, हमारे रोटावेटर की पूरी जो रोटावेटर की गारंटी वारंटी वो 1.5 साल की है। अब वारंटी और गारंटी में क्या आता है मैं बताया था सर आपको, इसका गियर बॉक्स, इसकी गरारियाँ, इसका सील, इसके ब्लेड, अच्छा ये सारे से गारंटी वारंटी में आता है। इसके अलावा और कुछ खराब ही नहीं होता रोटावेटर। अच्छा जी, ये अपना 6 फीट का जायरोवेटर है सर। जायरोवेटर है जी, अपना ये नॉर्मल अपना यूपी और अपना बिहार में चलता है। अच्छा जी, पंजाब जैसे एरिया में नहीं चलाते हैं, पर यूपी बिहार में ज्यादातर यही जायरोवेटर चलता है। जायरोवेटर में रोटावेटर में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे? जी, इसका जो ब्लेड होते हैं सर वो सी टाइप में होते हैं। अच्छा। और बाकी रोटावेटर का एल टाइप का होता है। इसका क्या है सर, ये ज्यादा मिट्टी बारीक करने के लिए यूज करते हैं, पर हमारा जो रोटावेटर होता है वो गहराई में जाके नीचे से मिट्टी लेके आता है ऊपर को। इसका क्या है, ये ऊपर ऊपर चलता है, इसकी जुताई 5 इंच तक होती है। अच्छा। जी, बाकी जो रोटावेटर है उसकी 7 से 8 इंच होती है। तो इसके लिए मतलब कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए कम से कम? इसके लिए आपको सर 35 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 35 HP चल जाएगा, बहुत ईजी चलेगा। इसमें वजन लगभग कितना होगा सर? सर इसका वजन 4 क्विंटल 80 किलो तक जाता है। और ये 10 फीट का रोटावेटर इसका कितना होगा? सर इसका 10 फीट का जो रोटावेटर है इसका वजन होगा लगभग 7 क्विंटल 10 किलो प्लस ही हो, ऐसे 7 क्विंटल प्लस ही होता है सर। 7 से ऊपर होने वाला? जी जी जी। अच्छा जी, तो भाइयों देखा आपने, आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसे भी परचेज करना है कंपनी के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिस किसान भाई ने मेरा रोटावेटर ये वीरोधर ब्रांड से परचेज करना है वो हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 9555266802। कॉल करने का टाइम क्या होने वाला है सर? आप शाम के 6 बजे से पहले जब मर्जी कॉल कर लीजिए, और सुबह 9 बजे के बाद जब मर्जी कॉल कर लीजिए। तो भाइयों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।